अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम दो स्मार्टफोन फिर से लेकर आ चुके हैं। अब इन दोनों फोन में से ये देखेंगे कि हमें कौन सा फोन डिजाइनिंग में, लुक में अच्छा रहता है और कौन सा फोन प्राइस के अंदर कम देखने को मिलता है, और किस फोन में हमें स्पेसिफिकेशन ज्यादा टॉप नंबर वन की देखने को मिलती है, उस फोन को सिलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ आप भी खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको कौन सा फोन बाय करना है। तो वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा, इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में आपके तमाम डाउट होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। अब यहां पर जो हमारे पास दो स्मार्टफोन मौजूद है, जो Redmi K40S है और साथ में मौजूद है Vivo T1। अब यहां पर इन दोनों फोन में से देखेंगे कि हमें कौन से फोन बाय करने चाहिए। बाकी अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi के डिस्प्ले साइज की, जिसमें हमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ हमें E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों Vivo T1 की, जिसमें हमें 6.58 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हमें जो डिस्प्ले टाइप देखने को मिलता है ये IPS LCD का पैनल देखने को मिलता है, जो कि OLED भी होता तो हमारा गुजारा होता, लेकिन इसमें हमें IPS LCD का पैनल देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमजोर देखने को मिल रहा है। अब यह समझ ले कि ये उसके मुकाबले में कंपेयर नहीं होता, बहुत कम दिया जा रहा है IPS LCD का पैनल। लेकिन खैर दूसरी चीज, अगर हमें टॉप पर देखने को मिलेगी तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो भी है वो लास्ट पर ही पता चलेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज की। अगर मैं बात करूं Redmi K40S की, जिसमें हमें Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि हर किसी डिवाइस में तो कहा लेकिन बहुत कम डिवाइसेस में देखने को मिलता है, इतने स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिला जो कि Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन Android 12 का बहुत डिवाइसेस में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर हमें Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला, लेकिन अगर बात करें चिपसेट की, जो कि हमें Qualcomm Snapdragon का 870 देखने को मिलता है और 6 नैनोमीटर के बेस पर इसका चिपसेट देखने को मिलता है, आर्किटेक्चर 6 नैनोमीटर देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या है कि जितने नैनोमीटर कम होंगे उतनी ही ज्यादा परफॉर्मेंस इन्हें हैंडसम होगी। तो बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों Vivo T1 की, जिसमें हमें Android 12 का नहीं Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला, जो कि Android 13 तो कहां Android 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं देखने को मिला, तो इसमें हमें Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कम डिवाइसेज में नहीं बहुत ज्यादा डिवाइसेज में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करते हैं चिपसेट की, जो कि हमें Qualcomm Snapdragon का 695 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि उससे आपको काफी कमजोर देखने को मिला है, जो कि इतनी पावर नहीं दे रहा, लेकिन जो आर्किटेक्चर है, जो नैनोमीटर है, वो हमें 6 नैनोमीटर ही देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या है कि जितने नैनोमीटर कम होते हैं उतने ही ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन हमें जो है वो आर्किटेक्चर हमें नैनोमीटर सेम ही देखने को मिला, लेकिन चिपसेट में हमें काफी फर्क देखने को मिल रहा है। लाइक अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे वाइज की। अगर हमारे स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा हो, बैटरी अच्छी हो, तो ये चीजें अगर अच्छी होंगी तो हमारा स्मार्टफोन काफी पावरफुल बन जाता है। बाकी अब यहां पर जो हमें Redmi K40S में हमें देखने को मिला, डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मिला, डिस्प्ले टाइप भी अच्छा देखने को मिला, तो बाकी ये चीजें हमें काफी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरे वाइज की, जो कि हमें Redmi K40S के बैक पर ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, सेकंड हमें 8 मेगापिक्सल का, थर्ड हमें 2 मेगापिक्सल का, बाकी सेल्फी शूटर की बात करें तो वो सिंगल ही देखने को मिलेगा, लेकिन 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों Vivo T1 की, जिसका मेन सेंसर हमें बैक पे हमें ट्रिपल सेटअप कैमरा ही देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, सेकंड हमें 2 मेगापिक्सल का, जो कि हमें उसमें 8 मेगापिक्सल का दिया जा रहा था, लेकिन इसमें हमें 2 मेगापिक्सल का, और थर्ड भी 2 मेगापिक्सल का। बाकी अगर सेल्फी शूटर देखें तो इसमें हमें 16 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है। अब यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरे वाइज आपको काफी कम दिया गया है Vivo T1 में, लेकिन यहां पर इसका मेन सेंसर सिर्फ 2 मेगापिक्सल बढ़ाया गया, लेकिन दूसरे कैमरे जो है वो हमें मेगापिक्सल में कम कर दिया। काफी अच्छा देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर हमें इतना अच्छा नहीं देखने को मिला। लेकिन खैर अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों वेरिएंट की, जो कि हमें Redmi K40S में जो वेरिएंट देखने को मिलता है वो 6GB के साथ 128GB और 8 के साथ हमें 128GB के साथ 256GB मेमोरी भी देखने को मिलती है। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों Vivo T1 की, जिसमें हमें रैम के हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, मेमोरी के हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि 6GB के साथ है, 8GB के साथ है, 4GB के साथ भी हमें देखने को मिलता है, और 128GB मेमोरी देखने को मिल जाती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी की, जो कि हमारे पास Redmi K40S में हमें 4500mAh की बैटरी पावर देखने को मिलती है, और साथ में 67W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं हमें चार्जर कितना पावरफुल दिया गया, जो कि हमें 40 मिनट के अंदर हमारी जो फुल चार्ज कर देगा बैटरी को। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों Vivo T1 की, जिसमें हमें 5000mAh बैटरी के साथ हमें 18W का फास्ट चार्जिंग दी गई है,
जो कि हमें बैटरी काफ़ी हद तक अच्छी दी गई है, लेकिन चार्जर हमें अच्छा नहीं देखने को मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस की है। आज का कंपैरिजन बहुत ही कमाल का भी रहा है, और इनमें से अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो वह है रेडमी K40S। जी हाँ, इस फ़ोन को ही बात कीजिएगा जो कि आपको डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर चीज़ आपको टॉप नंबर वन पर देखने को मिली है, और प्राइस में भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई, कंपैरिजन पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।